जिस गाय का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं, जिस गाय के दूध से 56 भोग और अनेक तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, जिस गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक होता है, उस गाय के दूध का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। वही गाय जब भूख से व्याकुल हो जाती है तो फिर अपनी सुधा मिटाने के लिए कचड़ा पन्नी तक को खा लेती है। वही गोवंश नंदी जो हमारी मन्नतों को पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, सावन के पवित्र महीने में जितने शिवालय हैं उनमें जो पत्थर के विग्रह हैं नंदी के, आप देखते होंगे कि लोग अपनी मन्नतें इनके कान में कहते हैं, क्योंकि नंदी का संबंध महादेव से है और हमारी मन्नत को ये डायरेक्ट महादेव तक पहुंचा देते हैं। लेकिन यही नंदी आज खुद इतनी ज्यादा दुर्दशा को झेल रहे हैं जिसको कहने में नहीं आता। ये नंदी जिन्हें आप देख रहे हैं, इन पर महादेव की विशेष कृपा है, क्योंकि जिस भयावह स्थिति में इनका एक्सीडेंट हुआ है और उस भयावह स्थिति में ये जिंदा हैं, कहीं ना कहीं इनकी प्रबल इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इनका पिपरिया के पास एक्सीडेंट हुआ, प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि बुलेरो वाले ने इन्हें ठोकर मारी और जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की बुलेरो वाले को, तो बुलेरो वाले ने ब्रेक नहीं लगाया और इनको घसीटते हुए कई फीट आगे ले गया। घसीटने की वजह से इनका ये कान, ये जबड़ा, इधर तक आप देखिए पूरा एक परत की चमड़ी उधड़ गई है। इस दर्द और तकलीफ की हालत में जब वह गाड़ी वाला इनको तड़पता हुआ छोड़ गया, इन्हें अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के रूप में यहाँ पे हम लेके आए हैं और इनका इलाज हो रहा है। तो साथियों, अभी हमारी कोशिश है कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले, आहार मिले, दवा मिले। इनके लिए अभी हम दलिया का प्रबंध करते हैं। इनकी तरह और भी सैकड़ों गौवंश हैं जिनके आहार और औषधियों की व्यवस्था संस्थान के माध्यम से होती है, और ये जो संसाधन है, दवाइयों की व्यवस्था या इनके आहार की व्यवस्था, इसमें मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपसे जो भी बन पड़े आप जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि बारिश का समय है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और अभी भी हमें कोई सरकारी फंड या मदद नहीं मिलती है। ऐसे में आपसे जो भी बन पड़े आप संस्थान को जरूर सपोर्ट करें ताकि ऐसे गौवंशों की हम मदद कर पाएं, सेवा कर पाएं। जय गौ माता, जय गौ।